राशन कार्ड वाली इस खबर के बाद क्यों मची खलबली? राशन कार्ड वापस लौटाने के लिए क्यों लगी लंबी कतार? सरकार के इस फैसले से देश के दिल में क्यों उठे सवाल? दो पहिया और चार पहिया वाले गरीब देख ले मोदी योगी का रिकवरी वाला ये प्लान। 10 मई को सीएम योगी ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया कि पूरे यूपी में खलबली मच गई, क्योंकि हर कोई राशन कार्ड वापस करने के लिए कतार में खड़ा दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ कि राशन कार्ड वाली इस खबर के बाद राशन कार्ड वापस करने के लिए लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई? हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या मुझसे भी लिया जाएगा राशन कार्ड वापस, और वन नेशन वन राशन कार्ड से पहले ये कैसी खलबली। तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा क्या है आप जान जाएंगे, क्योंकि शहर शहर ये सवाल गूंज रहा है कि योगी मोदी ने मुफ्त का राशन बांटा और क्या वो एक एक दाना अब वापस ले लेंगे। हमने इस पूरे बवाल के बीच पड़ताल की और समझने की कोशिश की कि मोदी योगी का ये गेहूं वाला प्लान है क्या। ये तो सब जानते हैं कि देश के पीएम मोदी पूरे देश में वन नेशन वन राशन का फॉर्मूला लागू करने के लिए बेताब हैं, लेकिन उससे पहले एक हलचल है और वो क्या है अब सुनिए और ध्यान से समझिए। 10 मई 2022 को पहले योगी ने एक आदेश जारी किया, जिले के सभी अधिकारियों को कहा कि फर्जी राशन कार्ड वालों का पता लगाओ, लिस्ट बनाओ, ये पता करो कि अमीर होते हुए किस किस ने गरीब बनकर सरकार का राशन खाया, चेक करो कि चार पहिया वाहन, एसी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, 5 HP जनरेटर और 7.5 एकड़ जमीन अगर किसी के पास है तो वो राशन कार्ड के लायक नहीं है। 20 मई तक अगर कोई भी ऐसा राशन कार्ड धारक राशन कार्ड जमा नहीं करता तो बाजार की कीमत 20 रुपए प्रति किलो गेहूं और चावल 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रिकवरी कर ली जाए। खबरों के मुताबिक ये रिकवरी 1 जून 2022 से की जाएगी। इन कार्ड धारक के चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 KV जनरेटर, AC, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो गेहूँ 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। तो सवाल ये कि राशन कार्ड क्यों वापस लिया जा रहा है, तो इसकी सच्चाई सुन लीजिए। हमारे देश में कई ऐसे लोग फ्री राशन की लाइन में खड़े हैं जिनके घर में गाड़ी है, आलीशान बंगला है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो भी गरीब बनकर गरीबों के हक के राशन पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ऐसा नियम लाने जा रही है जो गरीबों को भूखे पेट सोने नहीं देगा, समझिए कैसे। एक व्यक्ति को अंत्योदय राशन के तहत 2 रुपए किलो के हिसाब से 35 रुपए किलो गेहूं मिलता है। मान लीजिए 1 किलो गेहूं के मार्केट की कीमत अगर 20 रुपए है तो एक व्यक्ति पर सरकार को 700 रुपए का नुकसान होता है। सवाल ये कि मोदी सरकार के पास पैसे कहां से आए। दुनिया चाहती है कि भारत में डीजल पेट्रोल का दाम घटा दिया जाए, लेकिन हर कोई सरकारी लाभ लेकर सरकार के राजकोषीय व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। क्या ये हकीकत नहीं, जिससे सरकार का ध्यान आर्थिक बोझ पर पड़ जाता है। ऐसे में मुफ्त के हकदार वही हैं जिन्हें इसकी सख्त दरकार है। यानी साफ है कि मोदी सरकार आर्थिक आधार पर राशन देने की योजना तैयार कर चुकी है, जिसकी ये बानगी है। एक और उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण एक सवाल के साथ शुरू करते हैं, क्या सच में भारत में अनाज की कमी हो गई है और क्या वाकई में देश में अनाज का संकट आने वाला है? तो सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। सच क्या है अब वो भी देख लीजिए। श्रीलंका के हालात बिगड़ते ही भारत पहला देश क्यों बनता जिसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भारत ने कई हजार टन अनाज भेजा। जब यूक्रेन पर भी संकट आया तो भारत ने अनाज भेजा। कोरोना के दौरान जब कई देश भूखे मरने की कतार पर थे, तब उस वक्त भारत ने पूरी दुनिया को अनाज भेजा। पिछले एक साल से मुफ्त अनाज की योजना चल रही है। ऐसे में भारत सरकार के पास गेहूं का स्टॉक अब उतना नहीं है
जितना पहले हुआ करता था। देश का पेट जिससे आसानी से भरा जा सकता था। यानी मोदी सरकार का मास्टर प्लान है आर्थिक आधार पर गरीबों की मदद करना। अपील हमारी भी आपसे है कि अगर आप सक्षम हैं तो फिर सरकारी योजना का मोह छोड़ दें, जैसे मुफ्त राशन लेना, सिलेंडर पर सब्सिडी लेना, किसान सम्मान निधि अवैध रूप से लेना, क्योंकि ये सरकार फिर आपसे वैसे ही वसूली करेगी जैसे आपने गरीबों का हक अगर छीना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।